हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंज आव स्टडी दे विच। सो दोस्तों, फायरमैन का एग्जाम होना है तुहाडा, उस पेपर दे लिए जिहड़ा क्वालीफाइंग पेपर होएगा उहदे विच भी ग्रामर दे क्वेश्चन पुछे जाने हैं, ते जिहड़ा मेन पेपर है उहदे विच भी पंजाबी वाला जिहड़ा पार्ट हैगा उहदे विच ग्रामर दे तुहानूं क्वेश्चन बणनगे। यानी कि कह सकदे हां ग्रामर दे विचों बहुत क्वेश्चन तुहानूं देखण नूं मिलने आ, ते आपां इस क्लास दे विच ग्रामर वाला सारा डर दूर कर लांगे। अपना सिलेबस टिक हो जाएगा, जेकर तुसीं सिलेबस देख रहे हो तां उस दे उत्ते टिक लगा दिओ कि ग्रामर तुहाडी हो गई, मतलब कि तुहानूं ग्रामर होर कितों पढ़न दी जरूरत नहीं है। इस वीडियो दे विच आपां कंप्लीट ग्रामर कर लैणी है, ते ग्रामर दे विच जिथों भी तुहाडा क्वेश्चन बनेगा तो वो अपना इस वीडियो दे विच्चों तुहानूं देखण नूं मिल जाएगा। तो आप फास्ट रिविजन के तौर के उत्ते देखते हैं, एक बार अपनी अक्खां दे अगों दी सारी ग्रामर नूं लंघा दिंदे आ तां आपां नूं झिझक नहीं रहेगी। जदों भी पेपर दे विच कोई क्वेश्चन आपां ने देखा तां नाल दी नाल आपां नूं इत्थों टिक कर जाएगा दिमाग दे विच, तां तुसीं नाल दी नाल इस दा आंसर लगा दोगे। मतलब कि फास्ट जिहड़ी रिविजन के तौर के उत्ते आपां देखते हैं सारी ग्रामर जिन्ने भी टाइम दे विच होएगी तां आपां करांगे। ज़्यादा टाइम आपां नहीं लगावांगे, ज़्यादा डूंघियां गल्लां दे विच नहीं चलांगे, जिहड़ी मेन गल है बस वो दस के चलना है। वैसे तो आपां ने डीपली भी यह डिस्कस की हुई है, पर आप इन्ना डीप दे विच नहीं जावांगे। जिद्दां कि तुहानूं पेपर दे विच क्वेश्चन बनणगे उही गल्लबात आपां करांगे। कंप्लीट क्लास जरूर देखियो। तो देखो जी, व्याकरण की हुंदी है, सब तो पहला आप देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं तुहाडा खराब करते। आप व्याकरण हुंदी है कि जिहड़ी आपां नूं नियमां दे बारे दसदी है, वाक दे नियम की ने, वाक बनदा किद्दां हैगा, ठीक है। वाक मतलब कि पहला धुनी तो भाव अंश बनदा, फिर शब्द तो वाक अंश बनता, वाक अंश तो उपवाक, उपवाक तो फिर वाक का निर्माण होंदा है। ये सारे जिहड़े नियम ने उन्होंने बारे जिहड़ी चीज़ दसदी है वह व्याकरण हुंदी है। सीधा तुहानूं यह भी पूछ लिया जाता है कि व्याकरण हुंदी की है, तो उस तो बाद फिर व्याकरण नूं अगे चार भागां दे विच वंडिया जांदा है। इस ते जां कह सकदे कि चार अंग व्याकरण दे हुंदे आ, तां उह किहड़े किहड़े आ? पहला धुनी बोध, शब्द बोध, वाक बोध ते अर्थ बोध। इत्थे क्वेश्चन ये बन सकदा है कि व्याकरण दे अंग किन्ने आ? चार अंग ने, तुसीं टिक करोगे तो चार ऑप्शनां तुहानूं दित्तियां हो सकदियां ने कि इन्हां दे विच्चों व्याकरण दा अंग किहड़ा नहीं है। इत्थे अर्थ बोध दी जगह ते तुहानूं कोई होर मतलब कि नाम बोध जां किसी भी तरह की होर कोई ना कोई चीज़ उलझा के दित्ती हो सकदी है, तां तुसीं आसानी दे नाल टिक कर सकोगे। तो फिर उस तों बाद अगे चलदे हां जी, आपां इसे तरह फास्ट रिविजन के तौर के उत्ते पूरी कंप्लीट ग्रामर आप देख लेंगे, सारी ग्रामर हो जाएगी। इस तो बाहर तुहानू ग्रामर का कोई भी टॉपिक देखने नहीं मिलेगा। तो अगे धुनी बोध की आप गल कर लें, धुनी बोध पहला भाग आएगा, चार अपने अंगों की गल की है, धुनी बोध है जो पहला भाग आ जाता है। तो देखो जी, आप ग्रामर पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, वो यही चार भाग ने जोड़ा कि देखो धुनी बोध पढ़ते हैं। आप धुनी के सारिया ही धुनिया जहाँ स्वर धुनिया, व्यंजन धुनिया, यह सारा कुछ पढ़ते हैं, वो ये आ जाए ने अगे नास की, ठीक है, जा अपनी व्याकरण वगैरह अपनी लिपि वगैरह सारा कुछ आप काउंट कर लें। उस तो बाद जो शब्द बोध है, शब्द बोध के शब्द श्रेणियाँ आ जाते हैं, नाम प्रणाम क्रिया विशेषण सारा कुछ जोड़ा भी होंगे है वो ये आ जाए। उस तो बाद वाक बोध, वाक के वाक बोध के वाक किस्म वगैरह, वाक किन्ने प्रकार का होंगे, उसने उसू कुटिया, यह कि वाक बन गया, ये साधारण वाक है कि संयुक्त वाक है, वो सारा कुछ इस आ जाए। उस तो बाद फिर अर्थबोध आ जाएगा है, अर्थबोध के जोड़े भी आप बहुते शब्द की थान एक शब्द, मुहावरे, ठीक है, अखाण, जिहड़ियां भी चीज़ा मतलब कि इदा समानार्थक विरोधी शब्द जिहड़ियां भी चीज़ा आप पढ़ते हैं वह सारिया इस दे विच आ जांदियां ने। लो जी, ये चीज़ तुहानूं पता लग गया कि पूरी ग्रामर अपनी इन्हां चारे भागां दे विच घूमती हैगी। तो यह जो चारे भाग पढ़ ले तो समझो तुहाडी व्याकरण कंप्लीट होगी। हुण आपां एक एक करके इन्हां चारे भागां नूं पढ़ते हैं। पहला भाग हैगा जिहड़ा धुनी बोध है, धुनी बोध पहला भाग हैगा। इस नूं किस नाम दे नाल जाणिया जांदा है? धुनियां दा अध्ययन पूछा जा सकता है क्वेश्चन। व्याकरण के जिस भाग के धुनिया का अध्ययन किया जाता है उसनों की कहा जाता है? धुनी बोध। लो जी, ये आंसर सीधा इतों क्वेश्चन बन सकता है। बोलने वेले मनुख के मूहों जिहड़ियां सार्थक आवाज़ा निकलदिया ने, ठीक है, उन्होंने व्याकरण के कहा जाता है? उन्होंने धुनिया कहा जाता है। एक एक गल जी आप कर रहे हैं वो क्वेश्चन बन सकता है। तो इस तरह तुम बस चुप करके सुनते रहने, क्लास में अगे नहीं लगाना, बस जिद्दां आपां बोलदे जा रहे हैं इदां ही गल्लां नूं सुणदे जाओ, तां इही तुहानूं क्वेश्चन बन जाणगे। इन्हां गल्लां दे विच्चों देखण नूं मिल जाणगियां इह सार्थक आवाज़ां, ठीक है, जिहड़ियां भी आपां इत्थे अपने मुख दे विच्चों कढ देंगे उन्होंने धुनियां कहा जाता है, मौखिक धुनिया आप उन्होंने कह दें, ठीक है जी। बुनियादी इकाई मनिया जाता इस भाषा की, तो यह संरचनात्मक जी छोटी तो छोटी इकाई हैगी भाषा की, इसनों मनिया जाता है धुनी नूं। तो इन्हां तों ही मिलकर फिर अगे शब्द का निर्माण हुंदा है। तो धुनी दे विच की कुछ हुंदा है? आवाज़ हुंदी है, ठीक है, जिहड़ियां भी आपां मूंह दे विच जिहड़ियां आवाज़ां कढ़दे आ धुनियां हुंदियां ने, ते इह भाषा की सब तो छोटी इकाई है कि जिहड़ी मन्नी जांदी है, पुछ लिया जांदा है भाषा की छोटी इकाई कि धुनी हैगी। तो उस तो बाद फिर अगे धुनियां की आपां वंड कर लैंदे आ। धुनी तो बाद फिर आपां धुनियां की वंड करके एक एक दो तरह जिन्ने भी तरह धुनियां की वंड होएगी वह करके अगे आपां शब्द बोध ते चलांगे। एक एक करके आपां चारे भाग कंप्लीट करने आ। हुण धुनियां की वंड,
ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅੰਜਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਆਵਾਜ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਰੋਕ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਚਾਰਨ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਗਲਾ ਜੀਭ ਜੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੰਦ ਬੁੱਲ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹਵਾ ਬੇਰੋਕ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੇਗੇ, ਊੜਾ ਆੜਾ ਅਤੇ ਈੜੀ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਤਿੰਨ ਨੇਗੇ ਅਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਲਿਆ ਆੜਾ, ਆੜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਇਹ ਧੁਨੀ ਬਣ ਗਈ। ਆੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨਾਂ ਲਗਾ ਤਾਂ ਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਈੜੀ ਚੱਕ ਲਈ ਇੱਥੋਂ, ਈੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਹਾਰੀ ਲਗਾਤੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਲਿਖਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈ ਲਿਖਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਕਾਈ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊੜੇ ਨੂੰ ਊ ਬਣਾਤਾ, ਫਿਰ ਊ ਬਣਾਤਾ, ਫਿਰ ਏ ਬਣਾਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸ ਧੁਨੀਆਂ ਬਣਾਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸਵਰ ਵਾਕ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਟਿੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਜੇਕਰ ਧੁਨੀਆਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 10 ਟਿੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 10 ਨੇ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਸਵਰ ਅੱਖਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਵਰ ਵਾਹਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਊੜਾ ਆੜਾ ਅਤੇ ਈੜੀ, ਤਿੰਨ ਨੇਗੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਧੁਨੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਹ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਹ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਹ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਘੂ ਜਾਂ ਹਰਸਵ ਧੁਨੀਆਂ ਕਹਿਤਾ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਦੀਰਘ ਧੁਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹੀ 10 ਧੁਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਆ ਰਹੀਆਂ 10 ਧੁਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਹੀ 10 ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਘੂ ਧੁਨੀਆਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸਾਹ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਤਿੰਨ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅ ਈ ਊ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਘੂ ਧੁਨੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਈ ਊ ਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਧੁਨੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਸਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ 7 ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ 10 ਧੁਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਘੂ ਧੁਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਹਰਸਵ ਧੁਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਅਤੇ ਦੀਰਘ ਧੁਨੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਘੂ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਸਾਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਵੰਡ ਕਰਤੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵਰ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ 10 ਨੇਗੀਆਂ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ 10 ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ 10 ਦੀਆਂ 10 ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਵੰਡ ਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੰਡ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਗੁਲਾਈ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਊ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਊ ਬੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਈ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਊ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਓ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਓ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 6 ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਦੇਖੋ 10 ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਇਹ ਗੁਲਾਈ ਰੇਤ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਾਈਪਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਦੇ ਵੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਅੰਜਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸਵਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਕੰਪਲੀਟ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਕੰਪਲੀਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਗੇ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੱਲਾ ਪੈਰਬਿੰਦੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵਿਅੰਜਨ ਅੱਖਰ ਮੰਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਊੜਾ ਐੜਾ ਅਤੇ ਈੜੀ ਇਹ ਤਿੰਨ ਅੱਖਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਏ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ
आ लल्ला बैर बिंदी तक बचे ने यह सारे आपां व्यंजन दे विच काउंट करदे आ। इह चीज़ दा तुसीं खास ध्यान रखियो। अगे नासकी आपां देख लैंदे आ, नासकी व्यंजन पहला स्वर धुनियां नूं वंडिया, स्वर अक्खरां नूं वंडिया, हुण आपां व्यंजन आ गए, व्यंजन नूं वंडण ते हो गए। नासकी व्यंजनां नूं आपां पंज रख लिया, जिहड़े कि आपां जदों ऊड़ा ऐड़ा पढ़दे आंगे इहनां दे विच आह जिहड़े अखीरले अक्खर जे हुंदे ने ना आह पंगा पाउंदे ने गे इहनां नूं, जां मतलब कि जिहड़े आपणे आवाज़ां नक्क दे विच्चों कढ़दे हैगे, इह अखीरले अक्खर सीगे। देखो हुण इह आवाज़ां नक्क दे विच्चों निकलदी है तां इहनां नूं आपां नासकी कह दिंदे आ। नासकी जाने कि नासां, आपां नासां वर्ड वरतदे आ, नासकी तां उह नक्क दे विच्चों आवाज़ निकलदी है, तां इहनां नूं आपां नासकी व्यंजनां दे विच काउंट कर लैंदे आ। ठीक है जी, तां कुछ शब्द अजिहे ने गे इहनां दे विच जिन्हां दे नाल कोई शब्द शुरू नहीं हुंदा कुछ अक्षरां दे नाल, तां अर्ध स्वर भी कुछ आपां नूं देखण नूं मिलदे आ। अर्ध स्वर की हुंदा, एक तां स्वर आपां पढ़ के आए हां ऊड़ा आड़ा ते ईड़ी, हुण अर्ध स्वर किहड़े हो जांदे आ जदों आपां बोलदे आ, मतलब कि उह स्वर मतलब कि व्यंजनां दे विच भी कुछ अजिहे अक्षर पए आ जिहड़े व्यंजन होंदे हुए भी स्वर दा काम करदे आ। हुण देखो यइया ते वावा अजिहे अक्षर ने। हुण इत्थे स्वामी लिखिआ, लो जी बावे नाल लिखिआ, बावा की है, बावा तां व्यंजन है पर इत्थे आड़े दा काम कर गया इह। लो जी नहीं तां स्वामी आड़े नाल लिखना पैणा सी पर आपां ने बावे तों कम ले लिया। हुण देखो बावा स्वर दा काम कर गया तां अद्धा स्वर मन लिया, इसे तरह यइया हैगा। ठीक है, ज्ञानी ज्ञानी जइया पाउंदे आ, जां आपां किते वी यइया ते आड़ा जां इहे जिहे अक्षर यूज़ करदे आ तां उह स्वर अर्ध स्वर दे तौर उत्ते आपां नूं उहनां नूं जाणदे आ। तो उस तो बाद फिर एक बार फिर होर वंड करती, उचारण स्थान के अनुसार जदों भी आपां उचारण करदे आ अक्षरां दा तां उह उचारण हुंदा कित्थां किद्दां है, जदों आपां बोलदे हां कि अपने दंदां नाल जीभ टकराउंदी है कि तालूए नाल टकराउंदी है कि अपने अंदर गले नाल टकराउंदी है, ये चीज़ां दे अनुसार फिर अगे वंड करती। छे भागां दे विच इहनां नूं वंडता जिहड़ा उचारण अंग दे हिसाब दे नाल, कंठी यानी कि कोमल तालू, कंठ जिहड़ा अपना तालूआ हुंदा उपर उहदे नाल जीभ टच करदी है, जदों कक्का खक्खा गग्गा ये बोलदे हां, कक्का मतलब कि पोला जां तालूए दे नाल कंठ दे नाल थोड़ा का अपने कंठ दे विच्चों आवाज़ आउंदी हैगी, ते ताल भी हैगी जिहड़ी कठोर तालू जिहड़ा उपर वड्डा तालू हुंदा मेन उच्चा वाला उहदे नाल टच करदी है, चा छ छ जदों तुसीं इह बोलोगे कठोर तालू दे नाल टच करदी है। उस तो बाद फिर टैंका ठट्ठा ते डड्डा ये बोलदे हो जदों तुसीं उल्ट जीवी तां जीभ उल्टदी है इहनां नूं बोलण दे समें। ठीक है, टैंका ठट्ठा जदों इहनां नूं बोलदे आ। तो उस तो बाद चीज़ा पूछ लिया जाता है कि इन दे विचों तुहानू ऑप्शनां दे विच दस्या होएगा कि इन दे विचों कंठी केड़ा है, तालवी केड़ा है, उल्ट जीवी केड़ा है, तो दंती पूछ लिया जाए। जो तुसीं तां बोल के देख लियो ऑप्शनां दे विच जिहड़े दित्ते होए तत्ता थत्था, जो तुसीं तत्ता थत्था दद्दा बोलदे बोल के देखो तो दंदां दे नाल जीभ टच करदी, दंदां दे विचाले जीभ आउंदी आ, तत्ता थत्था दद्दा, तां इह तुसीं इदां बोल के देख लियो तां इह दंती हो गए। तां दो होठी किहड़े हो गए, पप्पा फप्फा बब्बा, जो तुसीं इह बोलदे तां आपणे मतलब कि बुल्ला आपस दे विच टकराउंदे हैगे, बुल्लां तों कम लैंदे आ आपां इह पप्पा फप्फा बब्बा बोलदे होए। तां सुरयंत्री यानी कि हलक दे विचों बोलदे आपां इह हाहा हुंदा, हाहा। ठीक है, हलक दे विचों आवाज़ आउंदी है। तां इस तरह छे भागां दे विच इहनां नूं वंडिया गा आपां ने, ते इस नूं तालवी लल्ला पैर विधी नूं भी आपां काउंट कर लैंदे आ। अगे जेकर लिपि की आपां गल करिए, ये आपां ने स्वर कंप्लीट कर लिया, व्यंजन कंप्लीट कर लिया, हुण लिपि ते वर्णमाला दे उत्ते आपां आ जांदे आ। हुण देखो वर्णमाला की हुंदी आ, वर्णमाला अक्षरां दी माला, जिदा अक्षर जिदा माला दे विच मण के परोए हुंदे आ तां इदां अक्षर नेगे जिहड़े परोए हुंदे आ माला दे विच, ते अक्षर सही तरतीब दे विच जदों दित्ते हुंदे आ उहनां नूं आपां वर्णमाला कह दिंदे आ। तो लिपि की हुंदी है, हुण जिदा मैं तुहाडे सामने बोल रहा जिहड़ी भी आपां गल बोल रहे हैं, जेकर कोई बंदा टाइप कर रहा होवे नाल दी नाल देख के लिख रहा होवे तां उह किसे ना किसे मतलब कि अक्षरां दी वरतों करेगा, वह मेरियां कईयां होईयां गल्लां नूं लिखण दे लई, तां उही लिपि हुंदी है। जदों कोई बंदा बोल रहा उसकी बोली हुई गल नूं किसे अक्षरां दे विच आपां ने बंद करना होवे तां उह लिपि हुंदी है, तुनिया दा लिखती रूप ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਲਿਪੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਰਤਿਆ ਗੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਰਾ, ਮੰਮਾ, ਖੱਖਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਵਰਤੇ ਨੇਗੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲਿਪੀ ਦੇ ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਰੋਮਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਰੋਮਨ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੁਰਮੁਖੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਨੇ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇਗੇ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਜੇਕਰ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੈਂਪਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਰਿਹਾ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੇਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ੋਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰ।
अगे देखो गुरमुखी वर्णमाला दे विच ऊड़ा तो रैड़ा तक 35 अक्षर ने, ऊड़ा तो डैड़ा तक जो आप इतने तक देख देंगे, आ देखो जी इतों लैके इतों तक जेकर देखो 35 अक्षर ने, बाकी के अक्षर ने जोड़े वो बाद दे विच ऐड किए गए थे, करके आप इन्हों 35 कहते होंगे सके पुराने टाइम के 35 कहा जाता है। मुख्य वर्ग कि ऊड़े वाला क वर्ग, देखो अगे जिदा जेड़े अक्षर तो शुरू होंगे गा उ नाम लगाता वर्ग के नाल क वर्ग, ठीक है, ये चचा लगा दिता, इदा ही इन्हों अगे इन्हों का नाम लगा दिता। यह अंतिम वर्ग सीगा जाने कि इतने खत्म हुंदा सी, उस तो बाद नवीन वर्ग नवा वर्ग यह शामिल कर दिता गया बाद दे विच कुछ धुनिया फिर अगे अरबी ते फारसी धुनिया अंकित करन दे लई। हुण अगे आपां इत्थे पढ़ लैने अरबी ते फारसी अंकित करन दे लई सस्सा खखा गग्गा जज्जा फफा यह अक्षर सीगे, इन्हां दे पैर दे विच ही बिंदी लगाती ते यह अपने फारसी वाले अक्षरां नूं बोलण दे लई वड़ाते, ठीक है जी। हुण जिद्दां आपां इक लिखदे सी सहर तो उन्होंने शहर लिखण के लिए अपने सस्से के पैर बिंदी लगाती, तो यह अक्षर की गिणती कुल गिणती दे 40 हो गए जी ये, ठीक है। तो उस तो बाद फिर पटियाला डिपार्टमेंट के वलों एक लल्ला अक्षर से पैर बिंदी लगाती तो वह तालवी धुनी प्रगट करता है। तो इस तरह कुल गिणती दे अक्षर से जोड़े कुल 41 अक्षर अपने को अज के टाइम के उत्ते देखने को मिलते हैं, तो यह महत्वपूर्ण अंकड़े तुम देख सकते हो। अजोकी वर्णमाला के कुल अक्षर किन्ने 41, तो यह चीज़ा इंपोर्टेंट ने, याद करो इन्हों पेपर के पुछिया जा सकती ने। कुल अखर किन्ने 41, तो स्वर वाहक पूछ लिया जाता है तो यह किन्ने है 3, ऊड़ा आड़ा तो ईड़ी, यह 3 स्वर वाहक ने। व्यंजन जेकर पूछ लिया जाए किन्ने है, जेकर 38 पूछा जाए, सॉरी जेकर 41 के पूछ लिया जाए तो आप 38 कहे, जेकर 35 के पूछ लिया जाए तो आप कहे कि 32 है, ठीक है। यानी कि यही तुम अपना ध्यान रखना है कि सस्से तो लल्ला पैर बिंदी तक है ज सस्से तो राड़े तक है, उ अपने 3 अगले अखर क्ढने ऊड़ा आड़ा तो ईड़ी। ये देखो 35 चो 3 क्ड के 32 रह गए, तो 41 के 3 ऊड़ा आड़ा तो ईड़ी क्ड के अपने को 38 रह गए। हूँ अनुनासकी ज नासकी, जो इनू अनुनासकी कहेगा ज नासकी कहेगा, वो 5 होंगे गिणती के, जो आप नक् के आवाज़ बाहर निकलती है अंगा नाणा नन्ना नईया तो मम्मा, यह 5 गिणती है जो आप नक् के आवाज़ कढ़ते हैं। तो दुत्त अखर कि होंगे ने जिन्हों पैर के पाने आप, जिदा कि अप्रैल आप पाने, ठीक है, अप्रैल आड़ा अप्रैल इदा पाने, तो यह पैर के रारा पै गया तो यह अपने होंगे है दुत्त अखर, ज दो अखर की इकट्ठी आवाज़ कढ़ते हैं जोड़े वो हाहा रारा तो वाहवा है। 3 ने गिणती के अर्ध स्वर यही तो वाहवा, 2 ने आप उपर पढ़ी चुके हैं। उस तो बाद शुद्ध व्यंजना की जेकर गल की जाए, शुद्ध व्यंजन किड़े है वह कुल 29 बच जाते हैं, ठीक है। किड़े किड़े नूं छड़ देंगे आपां, तां देखो ये छड़ते पहली गल तो आपां ने सारे जिहड़े बाद दे विच ऐड किए गए, उस तो बाद फिर जिहड़े स्वर सीगे उड़ा आड़ा तेड़ी ये छड़ते, उस तो बाद यईया ते वाहवा छड़ते अर्ध स्वर सीगे, ते उस तो बाद हाहा छड़ता आपां जिहड़ा आपां सुरयंत्री जी नूं कहिंदे आ, ये सारे छड़ के कुल 41 दे विच्चों जेकर देखना होवे तां 29 अपने कोल शुद्ध व्यंजन बचदे हैगे। अगे सुरयंत्री हैगा जिहड़ा वह एक हैगा, किन्ने किहड़ा हैगा वह हाहा, ते अरबी फारसी तो किहड़े 5 शब्द लए आपां ने, ठीक है, ये पैर के सस्सा के पैर के बिंदी खखा गग्गा जज्जा फफा इन्हों के पैर के बिंदी लगाती, तो पैर के बिंदी वाले पूछ लिया जाए। तो देखो इतने हरियाणा के पेपर के एक क्वेश्चन बनया कि अरबी फारसी तो किन्ने अखर लए गए, अरबी फारसी तो आपने 5 लए है, देखो जी ये 5 लए है अरबी फारसी तो, यह 5, तो जेकर पैर के बिंदी वाले पूछ लिया जाए तो वह कुल 6 है। तो उपरलियां विच की नहीं है गया, ये लल्ला पैर बिंदी नहीं है गया, लल्ला पैर बिंदी क्यों नहीं है गया, ये बाद दे विच आपां ने ऐड किया है, ये ऐड किया पटियाला विभाग के द्वारा, भाषा विभाग के द्वारा इसनों ऐड किया गया, पंजाबी भाषा विभाग पटियाला के द्वारा इसनों लल्ला पैर बिंदी नूं बाद दे विच इस दे विच जोड़िया गया। अजोकी पंजाबी वर्णमाला जिहड़ी पंजाबी भाषा है उहदे विच इन्हां दे नाल कोई भी अक्षर है जिहड़ा शुरू नहीं हुंदा, ये भी तुसीं अपना ध्यान दे विच रखियो। अगे चलदे हां जी आपां, देखो क्वेश्चन थोड़े एक क्वेश्चन ले लें, उस तो बाद फिर अगे अपना अगला नवा टॉपिक स्टार्ट करांगे। देखो पंजाबी व्याकरण के स्वर वाहक किन्ने, स्वर वाहक ज स्वर अखर कह लिया जाता है तो यह गिणती के 3 नेंगे, किहड़े किहड़े ऊड़ा आड़ा ते ईड़ी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जी आप, सुरयंत्री, सुरयंत्री यानी कि अपने गल दे विचों जिहड़ा आवाज़ कढ़दा है हा हा, ठीक है, वो है जी हा हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दुत्त अखर आपां इन्हां दे विचों चुनने हैंगे जिहड़े पैर दे विच पैंदे आ, पैर दे विच हा हा पैंदा है, ठीक है। तो देखो रारा दे बाबा तां इहदे विच पिया पर कक्का नहीं हैगा तां इसनूं कट दो, उस तो बाद हाहा रारा हाहा पिया रारा पिया बाबा पिया, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो गया जी। तो इहदे विच रारा दो बार आ गया तो इहदे विच लल्ला नहीं पैंदा, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो गया जी। अगला चौथा क्वेश्चन देख लैने, अर्ध स्वर अखर किहड़ा है, अर्ध स्वर देखना, अर्ध स्वर आपां पढ़ के आए हैं यईया आएगा,
ठीक है, ते एक यईया ते एक बावा, यह दोनों ने गे तो आपां बाबे नूं टिक करता। उस तो बाद लिपि की आपां गल कर लैंदे आ। लिपि की हुंदी है? धुनिया का लिखती रूप, जो भी आपां धुनी मूँह दे विचों कढ़दे आ, कोई भी आवाज़ कढ़दे आ, उहनूं जदों लिखती रूप देना होवे तां आपां लिपि की वरतों करदे आ। इसनूं भाषा का पहरावा भी कह दिता जांदा है, लिखत का आधार भी कह दिता जांदा है, जां चिन्हां का समूह भी कह दिता जांदा है, जां फिर इदां भी कह सकदे आ कि कुछ खास चिन्ह हुंदे ने जिहड़े कि किसी भाषा नूं लिखण दे लई आपां वरतदे आंगे। हुण लिपियां दी जेकर गल कर लई आपां, किहड़ी भाषा नूं लिखण दे लई किहड़ी लिपि वरतदे आ, पंजाबी भाषा नूं लिखण दे लई गुरमुखी लिपि ढुकमीं है, हिंदी भाषा नूं लिखण दे लई देवनागरी, ते अंग्रेजी नूं लिखण दे लई रोमन। तां इह चीज़ां भी तुसीं ध्यान दे विच रखियो। अगे आपां लगाखर ते लगां ते लगाखर देख लैंदे आ। लगां की हुंदियां ने? लगां स्वर धुनियां नूं अंकित करन दे लई जिहड़े लिपि चिन्ह वरते जांदे आ, कि उहनां दे नाल जिहड़ियां मात्रावां लगदियां ने, ठीक है, कुछ गुरमुखी दे विच कह सकदे आ कि कुछ जिहड़ियां मात्रा लगदियां ने उह लगां हुंदियां ने। ते गुरमुखी दे विच कुल किन्नियां लगां लगदियां ने? उह लगदियां ने जी 10, गिणती दे विच 10 नेगियां। तां इस चीज़ दा तुसीं खास ध्यान रखियो, लगां लगाखर इह पुछ लिया जांदा है, तां गिणती दे विच 10 ने, किहड़ियां किहड़ियां ने हुण उह आपां देख लैंदे आ, ठीक है। इत्थे मुक्ता यानी कि जिहड़े कोई भी अक्षर मतलब कि नहीं लगता, जिदा आपां इत्थे कोई भी आपां अक्षर देख लैने सर, आपां सर नहीं चलो मान लो पर लिख लिया आपां ने पर, ठीक है, इत्थे कोई भी इन्हां दे नाल मात्रा नहीं लगी हुई, यानी कि इत्थे आपां मुक्ता इसनूं कह दिंदे आ। एक तां मुक्ता हो गया, ठीक है, दलंकड़ हो गया, होड़ा, ठीक है, उस तो बाद आड़ा, इन्हां दे विच जिहड़ियां भी आपां वरतदे हैंगे उह लगां नेगियां, ठीक है जी। आड़े दे नाल किहड़ी लगदी है, इड़ी दे नाल किहड़ी लगदी है, उह सारा कुछ आपां अगे जा के देखांगे। तां इत्थे जिहड़ा आपां पढ़दे हैंगे इस दे विच ऊड़े नूं औंकड़ लगा लिओ तुसीं, औंकड़ हो गया, दलौंकड़ हो गया, होड़ा हो गया, फिर इत्थे मुक्ता आ गया, मुक्त दे बाद कन्ना आ गया, दलावां आ गया, फिर कनौड़ा आ गया, स्यारी ब्यारी ते ला, इह सारियां जिहड़ियां मात्रा ने कुल आपां वरतदे आ। ऊड़े नूं तुसीं इत्थे औंकड़ काउंट कर लिओ। उस तों बाद फिर अगे देखदे हां जी आपां किहड़े अक्षर दे नाल किन्नियां मात्रावां लगदियां ने। ऊड़े नाल 3 लगदियां ने, आड़े नाल 4 ते ईड़ी नाल 3 लगदियां ने, ठीक है। इस चीज़ का तुसीं खास ध्यान रखियो। ऊड़े दे नाल देखो, देख लें आपां किहड़ियां किहड़ियां 3 लगदियां नेगियां ऊड़े दे नाल, ठीक है। ऊड़े दे नाल एक तां औंकड़ लगेगी, फिर दलंकड़ लगेगी, होड़ा लगेगा, ऊड़े दे नाल तां आही 3 लगदियां ने, होर कोई भी नहीं लगदी। उस तों बाद फिर अगे देखिए, जेकर आपां आड़े दे नाल 4 लगदियां ने, 2 तां इह हो गईआं ते 2 आहा, आड़े दे नाल आह 4 लगदियां ने, ईड़ी दे नाल किहड़ियां लगदियां ने 3, ईड़ी दे नाल आही 3 लगदियां ने, होर कोई भी नहीं लगदी, ना तां ईड़ी नूं दलौंकड़ लगदा, ठीक है, ना ईड़ी नूं होड़ा कनौड़ा कोई भी इदां, मतलब कि इह मात्रावां दा इहनां दे विच फिक्स हैगी कि किसे नूं किन्नियां लगणियां ने सारे। बाकी जिहड़े व्यंजनां दी जेकर गल करिए, व्यंजनां दे नाल सारियां लग जांदियां ने। उपर आपां स्वरां दी गल कीती है, हुण सही तरतीब तुसीं इह देख लो इहनां दी, अ आ ई ऊ ए, इह सारियां इसदियां मतलब कि तरतीब दे विच आपां ने दस्सिया होया। हुण मुक्ता, कन्ना, स्यारी, ब्यारी, औंकड़, दलैंकड़, लां, दुलावां, होड़ा, कनौड़ा, यह सारिया मात्रावान इतने तुहानू देखने इस दे विच मिल जाएगी। अगे लघु मात्रावान की जेकर गल करिए, लघु 3 ने, अ ई ऊ, यह सारिया अपनिया लघु ने। उस तो बाद दीर्घ जेकर देखना हो, 7 दीर्घ बच जाते हैं, उही 10 दे विचों ही कढ़ के इधर उधर करके आप रखते होंने। तो यह चीज़ का तुसीं खास ध्यान रखियो, पुछ लिया जाता पेपर के। लगाखर देख लें, पहले लगां देखियां, हुण लगाखर देख लो। हुण जिहड़ा अखर दे नाल तां लगां दा संबंध हुंदा है, हुण जिहड़ा लगाखर है हुंदा हैगा इसका संबंध आपां कह सकदे हां कि लगां दे नाल भी मिलदा है। ये देखो लगां दा संबंध अखर नाल हुंदा है, अते अखर अते लग दे मेल तों इह बणदा है, ठीक है। यानी कि वह चिन्ह जिहड़े लगां दे नाल वरते जांदे आ, इह लगां दे नाल वरते जांदे आ। जिद्दां कि आपां कई शब्द देखदे हां कि जिहड़ा बिंदी हुंदी है वह कन्ने दे नाल पैंदी है, कदे बिहारी दे नाल पैंदी है, कदे सिहारी दे नाल, बिंदी कल्ली नहीं लगती। इदां मतलब कि इहदा संबंध हुंदा उपरलियां दसां दे नाल, उहनां दसां दे विचों इह मतलब कि देखते आएंगे कि किस दे नाल लगती है। यह गिनती दे विच 3 ने, बिंदी टिप्पी ते अद के यह 3 लगाखर आपां पंजाबी दे विच वरतदे आ। तां इहनां दी वरतों देख लैंदे आ, बिंदी दी वरतों 6 मात्रावां दे नाल कीती जांदी है बिंदी दी, ठीक है। हुण देखो कन्ने दे नाल कीती जांदी है, लां दे नाल बिंदी दी वरतों कीती जांदी है, ठीक है। यानी कि इदां आपणे लिखता कक्के नूं कन्ना उत्ते बिंदी लाती कां, ठीक है। उदों बाद लावां, ठीक है। हुण जिद्दां आपां लिखदे आ केंद्र, अपने लावां दे नाल भी बिंदी की वरतों कर ली। उस तो बाद बिहारी की वरतों कर ली, बिहारी सस्से ने बिहारी सी लिखिया। उस तो बाद होड़ा, होड़े दे नाल बिंदी, ठीक है, जिदा आप लिखते हैं होंद, होड़े दे नाल बिंदी लगाउने आ। इस तरह फिर आप होड़े दे नाल लगाती। उस तो बाद कनौड़े दे नाल लगा दिती, जिदा आप लिख देंगे मतलब कि कोई भी अक्षर जिहड़ा कनौड़े दे नाल आपां वरत देंगे उहदे विच, जिद्दां धौंसा, चलो इत्थे अपनियां उदाहरणां भी लिखियां पईआं ने, तां इत्थे दुलावां दे नाल मैं लिखता। यह सारियां जिहड़ियां आपां इत्थे वरतदे आं, इहनां दे विच अग्गे तुहानूं उदाहरणां भी इत्थे देखण नूं मिल जाणगीआं। टिप्पी दी जेकर आपां गल करिए, टिप्पी दे नाल कुल 4 मात्रावां दी वरतों हुंदी है,
टिप्पी की मात्रा मुक्ता दे नाल सियारी औंकड़ ते दुलांकड़ इन्हां चारां दे नाल वरतदे आं। कन्न ठीक है इत्थे कीती, फिर सिंघ दे विच देखो सियारी दे नाल होगी, फिर औंकड़ दे नाल, फिर दुलांकड़ दे नाल, इन्हां दे नाल आपां टिप्पी दी इदां वरतों करदे आं। अगे अधिक दी गल करिए, अधिक जां तां तिन्न दे नाल लिखिया होया मिलेगा जां चार दे नाल, आपां इह वी समझ लैंदे आं कि इह चक्कर की हैगा। हुण देखो मुक्ते दे नाल वी वरतदे आं, औंकड़ दे नाल, सियारी दे नाल, पर दुलावां दे नाल बहुत घट वरतदे आं, वरतदे वी आं पर क्यों ते आह क्यों नहीं आपां गिणदे, दुलावां वाले नूं गिणदे नहीं, इह क्यों नहीं गिणदे, क्योंकि अंग्रेजी का जेकर पंजाबी दे विच आपने टाइप करना उदों आपां इस नूं वरतदे आं, बाकी अगे तुसीं समझोगे इस दीआं उदाहरणां। हुण देखो जी आपां ने मुक्ते दे नाल लिखता अधिक मतलब कि लग गई, उस तों बाद की हैगा अपने कोल, फिर उस तों बाद आपां सियारी दे नाल लाउने आ, ठीक है सियारी नाल भी लिखती, फिर उस तों बाद आपां औंकड़ नाल लगाउने आ, ठीक है औंकड़ नाल भी अधिक लग गई, सियारी दे नाल भी लग गई, मुक्ते दे नाल, पर इत्थे दलावां दे नाल लग तां जांदी है पर जदों अंग्रेजी दा अक्षर होवे, हुण पेन आपां अंग्रेजी दा वर्ड हैगा उहदे विच आपां दलावां दे नाल भी वरत सकदे आ। तां इत्थे पुछ लिया जाएगा जेकर तुहानूं कहा जावे कि अंग्रेजी वाले लिखण दे लई किन्नियां दे नाल वरती जांदी है, तां तुसीं अंग्रेजी वाले नूं भी काउंट करोगे, जेकर नहीं कहा जांदा तां तुसीं अंग्रेजी वाले नूं काउंट नहीं करते, ठीक है। दुलावां अंग्रेजी दे शब्द पंजाबी जां गुरमुखी दे विच लिखण दे लई अधिक दे वरतों कर लई जांदी हैगी, पर उत्थे मतलब कि चौथी टाइप आपां उस नूं मानदे हां जेकर तुसीं अंग्रेजी वाले नूं काउंट करदे हो। गुरमुखी दे विच कुल किन्नियां लगां ने, लगां पुछिया लगां दस ने, ते लगाखर जेकर पुछ लिया जावे लगाखर किन्ने ने, लगाखर तिन्न ने गे बिंदी टिप्पी ते अधिक। उस तों बाद अगे जी आपां शब्द बोध ते आ जांदे आ। लओ जी व्याकरण दे चार भाग सी, व्याकरण दे चार भागां दे विचों पहला जिहड़ा धुनी वाला सी कंप्लीट हो चुका है, उस तों बाद सैकेंड भाग आ गया जी शब्द बोध, ठीक है शब्द बोध दे वल चलदे आ जी आपां। हुण तां हुण आपां व्याकरण दा दूजा भाग पढ़दे आ, उह है जी शब्द बोध। पुछ लिया जांदा है कि शब्द बोध हुंदा की है, हुण देखो व्याकरण दे जिस भाग दे विच शब्दां दा अध्ययन किया जांदा है उस नूं शब्द बोध कहा जांदा है। पुछ लिया जांदा है कि जिस दे विच शब्दां दा अध्ययन किया जांदा उसनूं की कहिंदे ने, शब्द बोध, तां तुसीं इसनूं टिक कर दोगे। हुण देखो जी कोई भी शब्द हैगा, शब्द किस तरह बनदा हैगा, धुनियां लगां लगाखर इन्हां सारिआं नूं मिला के कोई ना कोई शब्द बनदा है, तां करके ये चीज़ां पहलां पढ़नियां जरूरी सी, ये पढ़िया फिर आपने शब्द बना लिया। हुण आपां शब्द नूं पढ़दे हां कि शब्द हुंदा की है। वैसे शब्द दो प्रकार के होंदे है, एक तां सार्थक ते दूजा निरार्थक। सार्थक किहड़े होंदे है, जिन्हां दा कोई अर्थ होवे, ते निरार्थक किहड़े होंदे है, जिन्हां दा कोई अर्थ ना होवे, ठीक है। ते सार्थक मतलब कि शब्दां दे नाल इह काम करदे है, बाकी अगे जाके आपां समझदे हां सारा कुछ। हुण शब्द नूं आपां दो भागां दे विच वंडिया सीगा, ठीक है सार्थक ते निरार्थक। उस तों बाद फिर शब्द श्रेणियां बन जांदियां ने, शब्द श्रेणियां दे विच कुल अठ भेद ने, किहड़े किहड़े ने, नाम पहला नाम, फिर पड़नाम, किरिया, फिर हैगा विशेषण, फिर आ गया जी किरिया विशेषण, फिर आ गया संबंधक, फिर आ गया योजक, फिर आ गया जी बिस्मिक। यह अठ दियां अठ किस्मां नेगियां इस दियां शब्द दियां, ते आह अठ दियां अठ आपां किस्मां एक एक करके पढ़न लगे हां। पहली केड़ी है नाम, आपां नाम पढ़ते हैं, नाम दियां किस्मां किन्नियां ने, ते नाम दियां उदाहरणां की ने, तां किस तरह का क्वेश्चन बन सकदे, ये सारा कुछ आपां पढ़ते हैं जी। हुण देखो नाम की है, जे मतलब कि जिहड़ा नाम शब्द हुंदा है किसी वस्तु थां व्यक्ति जीव हालत गुण भाव आदि जिहड़े मतलब कि इन्हां दा जिहड़ा नाम हुंदा हैगा उसनूं नाम कहा जांदा है, इन्हां दे नाम नूं, ठीक है। हुण देखो गुरमुख सिंह कोई बंदे दा नाम है तां इह उसदी उदाहरण हो गई, किसी दा नाम है, हाथी भी नाम हो गया, तां इह कोई आम नाम हुंदा है, कोई खास हुंदा है, मतलब कि इह नाम हो गए, ठीक है कोई श्रेणी दा नाम हो गया किसी दा, मतलब कि इत्थे आपां ने सारा कुछ दस्सता तुहानूं कि किस किस दा नाम इस दे विच शामिल हो सकदा है। अमृतसर, अमृतसर किसी शहर दा नाम हो गया, ठीक है जिदा आपां तुहानूं दस्सता कि जिहड़ा भी किसी ना किसी चीज़ दा नाम होएगा तां उह नाम ही होएगा, नाम दी श्रेणी दे विच आपां उसनूं रखदे हां। किताब, अमीरी, प्यार, फौज, इह सारियां नाम दियां उदाहरणां ने। ते हुण नाम दियां आपां किस्मां देख लैंदे हां, पेपर दे विच पुछ लिया जांदा है, PSSB दे विच बहुत बार पुछया गया कि नाम किन्ने प्रकार दा हुंदा है जां पड़नाम किन्ने प्रकार दा हुंदा है, तां इह चीज़ तुसीं खास ध्यान दे विच अपना रखणा हैगा। लओ जी नाम दियां अपने सामने पंज किस्मां ने, ठीक है अर्थ दे पक्ष तों आपां नाम दियां पंज किस्मां लैंदे आ। पहला है जी निजवाचक, इसनूं आपां खास नाम भी कह दिंदे आ। उस तों बाद आ जांदा है सैकेंड हैगा जिहड़ा जातिवाचक नाम, इसनूं आपां आम नाम भी कह दिंदे आ। उस तों बाद आ जांदा है समूहवाचक नाम, इसनूं इकट्ठवाचक भी कह दिंदे आ। ते उस तों बाद आ जांदा हैगा पदार्थवाचक नाम, इसनूं वस्तुवाचक कह दिंदे आ। भाववाचक नाम उह पंजवीं किस्म। हुण देखो इदां भी तुहानूं पुछ लिया जांदा है आम नाम खास नाम, ठीक है आम नाम खास नाम इकट्ठवाचक नाम वस्तुवाचक नाम भाववाचक नाम, या फिर तुहानू इदां भी इधरलिआं विच्चों भी तुसीं इन्हां नूं गिण सकदे हो, निजवाचक नाम, जातिवाचक नाम, समूहवाचक नाम, पदार्थवाचक नाम, भाववाचक नाम, यही पंज किस्मां ने जिहड़ियां इस दीआं रहिण वालिआं ने। बाकी दो दो नामां दे नाल कई वार किसी किस्म नूं जाण लिया जांदा है, तां तुसीं इस दे विच पजल नहीं होणा। निजवाचक नाम दी आपां गल करदे हां, एक एक करके सारीआं किस्मां आपां इस दीआं हुण पढ़न वाले हां। जिहड़े शब्द तों सानूं किसी वस्तु खास व्यक्ति खास जीव
ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜ ਵਾਚਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਸਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿੱਜ ਵਾਚਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਿੱਜੀ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਿੱਜ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਪਰਸਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸਾ ਪਰਸਨਲ ਨੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਤਲੁਜ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿੱਜ ਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਚਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਸਤੂ ਆਦਿ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਨਾਮ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਨਿੱਜ ਵਾਚਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸਤਲੁਜ, ਇਹ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਿੱਜ ਵਾਚਕ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਗੇ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਸ ਤੋਂ ਜੀਵਾਂ, ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਜਾਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡ, ਲਓ ਜੀ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਤਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਉੱਪਰਲਾ ਖਾਸ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਮ ਨਾਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੋਊਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਕਹਿਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਰਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਦਰਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਪਰਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖਾਸ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪੁਸਤਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਤੀਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਮੂਹਵਾਚਕ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮੂਹਵਾਚਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜੀਵਾਂ ਜਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਸਮੂਹਵਾਚਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਆਪਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਮੂਹਵਾਚਕ ਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫੌਜ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਟੀਮ, ਟੋਲੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮੂਹਵਾਚਕ ਨਾਮ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਫੌਜ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਟੀਮ, ਟੋਲੀ ਆਦਿ ਕਿਸ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਮੂਹਵਾਚਕ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠਵਾਚਕ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਟਾਈਪ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਦਾਰਥਵਾਚਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ। ਪਦਾਰਥਵਾਚਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਮਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਦਾਰਥਵਾਚਕ ਨਾਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਾਂ ਵਸਤੂਵਾਚਕ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਨੇਮ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਪਦਾਰਥਵਾਚਕ। ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਦਾਰਥ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ? ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ, ਤੇਲ, ਲੋਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਿਣੀਆਂ ਤੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਵਾਚਕ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਟਾਈਪ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਆਖਰੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ, ਪੰਜ ਟਾਈਪਸ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਪੜਨਾਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਣ, ਹਾਲਤ, ਭਾਵ, ਭਾਵ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਗੁਲਾਮੀ, ਗਰੀਬੀ, ਬਿਮਾਰੀ, ਸੁੰਦਰਤਾ, ਸਿਹਤ, ਖੁਸ਼ੀ, ਉਦਾਸੀ। ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਯਾਰ। ਉਦਾਸ, ਬਚਪਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਵਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਸ਼ਚਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦੇਗਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਗਾ ਕਿ ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਪ ਇਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਕੁਸ਼ਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਦੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਵਵਾਚਕ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੁਣਨਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਭਾਵਵਾਚਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਸਕੂਲ, ਮਕਾਨ, ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ
ठीक है जी, तो इतने 8 लिखना सीगा। ठीक है, ये मतलब कि नाम किन्नी प्रकार के, यदा तुम आंसर दोगे ठीक है जी कमेंट बॉक्स के। उस तो बाद अगे देखो जोड़े शब्द खास खास चीज़ों के लिए वरते जाते हैं उन्होंने कि नाम आप कहने, यद भी आंसर तुम कमेंट बॉक्स के दोगे। अगला क्वेश्चन चौथा देखो जी, इनू भी तुम कमेंट बॉक्स के इसका आंसर देना होएगा। ठीक है जी, ये प्रैक्टिस दे लई है, इन्हों का तुम मतलब कि आंसर चाहो तो दे सकते हो। ठीक है जी, बाकी तुसी क्लास रोक के इन्हों का आप आंसर देने की कोशिश करनी हैगी। तो ये आप उपर पढ़ के आए, जेकर तो किसी भी तरह की कोई अगर दिक्कत आती है तो तुम बैक करके क्लास उन्होंने क्वेश्चनों देख लियो, इन्हों का स्क्रीनशॉट लैके जा तो आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, तो उस तो बाद फिर अगला क्वेश्चन देखते आप, ये चीज़ देख लो। तो इदा क्वेश्चन बनता है इकट्ठवाचक दिन, जिदा तुम्हें इतने पूछ लिया जाता है कि इसकी उदाहरण दसो। ठीक है, इकट्ठवाचक के विच की आता, टीम, जथा, जमात, ये टोलियां का जिहड़ा समूह हुंदा है कोई ना कोई, वो इकट्ठवाचक के विच काउंट करते हैं, बाकी चीज़ों नू नहीं आप इस तरह लेंदे इकट्ठवाचक के विच। अगे देखो आम जां जातिवाचक तुसीं इन्हां दे विचों चुनना है, जातिवाचक किहड़ा है। ठीक है, वह इस दे विचों तुसीं दसना होगा। ये तो वस्तुओं के नाम ही हो गए, ये भाव का नाम हो गया, कोई भी फीलिंग होगी तो विद्यार्थी होएगा। एक तो मान लो विद्यार्थी का नाम राम या शाम, कोई विद्यार्थी का नाम है। फिर एक अपन कहता कि विद्यार्थी है यार, वह तो आम जहा नाम हो गया ना, जाति का नाम हो गया, वह कि विद्यार्थी जाति है कोई, वह नाम हो गया। उस तरह जेकर पूछ लिया जाता कि शाम किस प्रकार का, वो अपन पता लग जाता। मैं एक बहुत उदास है, उदास इस दे विच की है, उदास इस दे विच एक फीलिंग है, एक भाव है, भाववाचक आप इस दे विच काउंट कर देंगे। तो उस तो बाद अगे देखते हैं, बाकी जेकर महक पूछ लिया जाता, महक बच्चे का नाम हो गया, तो महक मतलब कि खास नाम हो जाएगा। अगे प्रणाम जिहड़ा सैकेंड टाइप है, 8 किस्मों के विचों दूजी किस्म के पहले आप चलते हैं, ये है जी जिहड़ा देखो उपर आपने गल की सी नाम, नाम की हुंदा है, तो उही नाम जिदा आपने कहता कि महक उदास है, देखो जी। ठीक है, तो इत्थे महक उदास है दी जगह पर आ जाता ओह उदास है। लो जी, इत्थे की सीगा एक नाम सीगा महक दा, पर इत्थे उस दे नाम दी जगह दे उत्ते आपने की वरत लिया ओहो। ठीक है, ओहो वरत लिया। हुण देखो इत्थे पढ़ो, जिहड़ा शब्द नाम दी थान दे उत्ते वरत लिया जावे, महक दी थान दे उत्ते कोई शब्द वरत्या तां ओहो की हो गया, ओह प्रणाम हो गया जी। लो जी आ उदाहरण पई है प्रणाम दी। ठीक है, यह सारिया उदाहरण ने प्रणाम दियां, मैं, तुसीं, असीं, तुसीं, ओह, सारिया जिहड़ियां इस दियां उदाहरण ने प्रणाम दियां। प्रणाम नूं 6 प्रकार दा कहा जांदा है, मतलब कि 6 इस दियां किस्मां ने प्रणाम दियाँ। पेपर के बहुत बार पूछा गया, वैसे सौखा क्वेश्चन है पर पूछा भी बहुत बार गया, तो इस बहुत कैंडीडेट पजल भी होंगे, तो ध्यान दे विच रखियो। तो एक एक करके आप सारिया इस टाइप्स पढ़ते हैं, पुरखवाचक प्रणाम, निजवाचक प्रणाम, निश्चयवाचक प्रणाम, अनिश्चयवाचक प्रणाम, संबंधवाचक प्रणाम, प्रश्नवाचक प्रणाम, यह 6 दियाँ 6 किस्म अगे आप डीपली पढ़ देंगे। हम देखो पहली इसकी किस्म हैगी पुरखवाचक प्रणाम। पुरखवाचक प्रणाम जिहड़े शब्द तो असी अपने जां दूजे पुरखां दे नां दी थां ते, जिहड़ा शब्द नूं असी ठीक है अपने जां दूजे किसी भी पुरख दे थां दे उत्ते वरतदे आ उह पुरखवाचक प्रणाम हुंदे आ। जिद्दां कि मैं खेडदा हाँ, ठीक है, जां फिर तुसीं की करदे हो, जां फिर तूं उहनां नाल क्यों गया, जां फिर उह खेड रिहा सी, जां इह जिहड़े आपां किसी बंदे दे जां किसी पुरख दे नाम दे थां दे उत्ते वरतदे आ उह पुरखवाचक प्रणाम दे विच आ जांदे आ। अग्गे देखो पुरखवाचक प्रणाम नूं फिर अग्गे 3 भागां दे विच होर वंड लिया। पुरखवाचक प्रणाम 3 तरहां दे हुंदे आ, पहला पुरख, दूजा पुरख, तीजा पुरख, जां फिर इदां कह सकदे आ उत्तम पुरख, मध्यम पुरख ते अन्य पुरख। इह 3 प्रकार नेगे जिहड़े इस दे विच वरते जांदे आ, कि 3 किस्मां ने। पहला तां उह व्यक्ति जिहड़ा गल कर रिहा सी, यानी कि मैं गल कर रहा, ठीक है, तो उस तो बाद दूजा पुरख जिहदे नाल गल कर रहा होवे, मैं खेड रहा हाँ, तूं खेडेगा, मान लो मैं किसी बंदे नूं कहा तूं खेडेगा, लो जी मैं उसनूं तूं कहता, ठीक है, तो मतलब कि असीं दोनों गल्लां कर रहे सी। तीजा पुरख कौन हो गया, जिहदे बारे गल्लां कर रहे होईए, यार मैं तो खेड रहा हाँ तूं खेडेगा, यार वो तो खेडिया नहीं हैगा कल, यानी कि मतलब कि वह आपने किसी तीजे बंदे नूं शामिल किया, तो वह मतलब कि वह अन्य पुरख या तीजा पुरख हो गया। तो यह चीज़ तुम खास ध्यान दे विच रखियो। लो जी एक एक करके इन्हां नूं भी आप पढ़ लैंदे हां। उत्तम पुरख किहड़ा हुंदा है, जिहड़ा पुरख गल करदा है, ठीक है, मैं, मैनूं, असीं, इह सारियां इस दियां उत्तम पुरख दियां। मध्यम जां दूजा पुरख किहड़ा हुंदा है, जिस दे नाल गल कीती जावे, ठीक है, तूं, तुसीं, तेरा, तुहाडा, इह सारियां। तो तीजा पुरख किहड़ा हुंदा है, जां अन्य पुरख किहड़ा हुंदा है, जिस दे बारे गल कीती जावे कि यार वो तो कल खेड ही नहीं हैगा, मतलब कि यही सारिया इस दे विच ओह, उसकी, उन्हां, ये सारिया उसदी उदाहरण हो जांदियां ने। अगे आपां सैकेंड टाइप देखते हैं जी, पहली होगी पुरखवाचक, दूजी होगी निजवाचक प्रणाम। इहदे विच की हैगा, इस दे विच देखो जिहड़ा शब्द करता दे नाल आ के उस दे करता दी थां वरत्या जावे, लो जी करता दी थां दे उत्ते आ के करता दी थां दे उत्ते वरत लिया जावे, मैं अपना,
ठीक है आप आपस ये सारिया जिहड़ियां उदाहरणां नेगियां इस दे विच आउंदियां ने निजवाचक दे विच। अगे आपां पढ़दे हां जी निश्चयवाचक पड़नाम। निश्चयवाचक किहड़ा हुंदा है? जिहड़ा मतलब कि दूर जां नेड़े कोई आपां नूं चीज़ दिस रही है जेकर आपां उस दे वल इशारा करके गल कह दईए निश्चित चीज़ दे वल तां आपां उस नूं मतलब कि किसी थां मतलब कि किसी चीज़ दे लई इशारा वगैरह करन दे इह पेन मेरा है ये मतलब कि मेरे चाचे दा मुंडा है इदां जदों आपां गल करदे हां ये वो ये सारिया निश्चयवाचक दे विच आउंदियां ने। हुण देखो जिहड़ा आहा है देखो इत्थे ओहो शब्द है ओह नूं आपां पहली गल तां पुरखवाचक दे विच वी काउंट करदे हां ठीक है ओह खेड रहा सी इदां तां इत्थे वी वरतदे हां। ये चीज़ का तुसीं खास ध्यान रखियो। अगली टाइप है कि जिहड़ी अनिश्चयवाचक पड़नाम। अनिश्चयवाचक किहड़ा हैगा? अनिश्चयवाचक पड़नाम ने गे जिहड़े देखो किसी व्यक्ति स्थान वस्तु आदि दे लई वरते जांदे आ जिस दे बारे आपां नूं निश्चय पूर्वक ज्ञान ना होवे। अनेकां मतलब कि यार उत्थे अनेकां ही बंदे आए हुए सीगे। कई बंदे बहुत भैड़े होंदे है मतलब कि कई बंदे दिल दे चंगे होंदे है। जो आप अजिहियां गल्लां करदे हां तां मतलब कि किसी बंदियां दी थां दे उत्ते जिहड़ा वर्ड वरते आपां ने ठीक है तां इह आपां अनिश्चयवाचक कह रहे हैं क्योंकि आपां नूं परफेक्ट नहीं ना पता आपां किस बंदे दी गल कर रहे हैं उत्ते कई बंदे हो गए। हुण संबंधवाचक पड़नाम किहड़ा है? संबंधवाचक जिहड़ा नाम शब्द दी थां वरत्या जावे नाम दी थां दे उत्ते वरत्या जावे ते योजकां दे वांगू इह काम करे। देखो जो करेगा सो भरेगा जां जिस जिहड़ा इह जिहड़े शब्द नेगे इह योजकां दे वांगू वरते जांदे ने पर वरते नाम दी थां दे उत्ते जांदे आ। अग्गे फिर प्रश्नवाचक पड़नाम दी आपां गल कर दिंदे आ। हुण देखो जी प्रश्नवाचक किहड़ा हुंदा है? नाम दी थां दे उत्ते वरत्या जावे। हुण देखो पहलां आपां ने पढ़िया सीगा महक बहुत उदास है जेकर महक दी थां दे उत्ते आपां ने लाता ओह तां उह तां पुरखवाचक दे विच आ गया पर जेकर आपां ने महक दी जगह दे उत्ते लगाता कि कौन उदास है लो जी इत्थे आपां ने की कर लिया कौन उदास है आपां ने प्रश्न पुछ लिया तां इत्थे कौन इहदे विच आउंदा तां इह आपां ने प्रश्न पुछिया प्रश्नवाचक पड़नाम इह हो गया जी। अगे देखो आपां थोड़े कु क्वेश्चन इहदे विचों लै लैंदे आ उस तों बाद फिर आपां पड़नाम कंप्लीट कर लिया उस तों बाद फिर अगली टाइप दे वल चलांगे ठीक है जी। वाक दे विच नाम दी थां दे उत्ते जिहड़े वरते जांदे आ उह की हुंदे आ पड़नाम। उस तों बाद बाकी तुसीं आप दसो जी ठीक है प्रणाम दीआं किन्नीआं किस्मां ने ये चीज़ तुसीं कमेंट बॉक्स दे विच दसो जां फिर आप आंसर देने की कोशिश करो क्योंकि आपां उपर कर चुके हैं ये चीज़ां ठीक है जी। नाल दी नाल प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। जिहड़े प्रणाम केवल व्यक्ति पुरखां दे नावां दी थां दे उत्ते वरते जाण उहनां नूं की कहा जांदा जिहड़े पुरखां दी थां दे उत्ते वरते जाण बहुत सौखा हैगा। कमेंट बॉक्स दे विच आंसर दिओ तुसीं जदों भी क्लास देख रहे हो। उस तों बाद अगे देखो पुरखवाचक प्रणाम इहनां दे विचों आपां ने चुनना पुरखवाचक किहड़ा हैगा ठीक है इहदा आंसर दिओ। अगे देखो पुरखवाचक पड़नाम नूं किन्ने भागां दे विच वंडिया जा सकदा है? पुरखवाचक किन्ने तरह के पुरख होंदे है? एक दो तीन जिहड़ा एक गल कर रहे है एक दे नाल गल कर रहे एक दे बारे गल कर रहे है तां इह चीज़ तुसीं दसो। उस तों बाद अगला क्वेश्चन छेवां वाक दे विच गल करन वाले व्यक्ति नूं की कहा जांदा है? लो जी जिहड़ा बंदा वाक दे विच गल कर रहा है कि यार मैं तां खेडिया सीगा तूं खेडेंगा ओह तो खेडिया नहीं मतलब कि जिहड़ा बंदा गल कर रहा है जिहदे नाल गल कर रहा उहनी जिहड़ा बंदा गल कर रहा वह किहड़ा पुरख हैगा ये भी दसो तुसीं। लो जी सातवां क्वेश्चन देखो उत्तम पुरख इन्हां दे विचों आपां ने चुनना है उत्तम पुरख किहड़ा हैगा? लो जी गल कर रहा सीगा जिहड़ा। अगे देखो इहदे विच दसना हैगा वाक दे विच जिस दे नाल गल कीती जा रही होवे ओह किहड़ा पुरख हुंदा ये भी तुसीं दसो। प्रैक्टिस दे लई तुहाडे लई क्वेश्चन आपां ने इह ऐड कीते आ थोड़ी कु स्पीड आपां इस करके वधाई होई है गल्लबात करन दे लई कि पेपर तुहाडा होणा कल नूं तां इस करके तुसीं इस क्लास दे उत्ते ज़्यादा समां तुहाडा खराब ना होवे इस करके आपां मतलब कि ज़्यादा जल्दी दे नाल एक रिविजन दे तौर दे उत्ते इह क्लास तुहाडे लई आपां ने बनाई है तां इह क्लास कंप्लीट जरूर देखियो तुसीं छड्ड के नहीं जाणी। पेपर दे विच क्वेश्चन पुछे जाणगे एक तां मेन जिहड़े ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक दे विच आउणगे उस तों बाद जेकर किसी दे विच क्वेश्चन तुहानूं ज़्यादा देखण नूं मिलणगे तां उह गुरुआं दे विचों मिलणगे। गुरमत काव्य तुसीं जरूर पढ़ के जाइओ गुरुआं दे बारे क्वेश्चन तुहानूं बहुत ज़्यादा बणनगे। अगे देखो आपां ने 8 किस्मां पढ़नियां नेगियां जिहड़ियां शब्द दियां शब्द श्रेणी दियां तां तीजी दे उत्ते आपां आ चुके हां ठीक है ओह शब्द जिस तों किसे काम दे होणा जां करने दा पता लगे ठीक है आउणा जाणा बैठना तुरना लिखना पढ़ना इह सारियां इस दियां किस्मां हो जांदियां ने किरिया दियां तां इह वी तुसीं जरूर पढ़ो ठीक है। अगे किस्मां किन्ने प्रकार दा हुंदा हैगा जिहड़ा अपनी किरिया हैगी इह दो प्रकार दी हुंदी है किहड़ी किहड़ी इक तां सकर्मक हुंदी है ते इक हुंदी है अकर्मक। लओ जी इक इक करके आपां हुण इह वी पढ़ लैंदे आ जिहड़ी सकर्मक हुंदी है ठीक है किरिया दा कर्म होवे जिवें कि देखो परविंदर हाकी खेडदी है की लगा के आपां इस नूं चैक कर सकदे हां ठीक है मतलब कि की लगा के आपां किरिया दे विच पता कर सकदे हां परविंदर की खेडदी है हाकी। लो जी किरिया दा आपां पता लग गया। उस तों बाद अकर्मक की गल कर लैंदे हां अकर्मक की हुंदा है जिस वाक दे विच किरिया दा कर्म नहीं हुंदा बल्कि केवल करता ही हुंदा है। लो जी सुखवीर हसदा है की लगा के पता उत्तर इसका आपां नूं पता नहीं लगता उपरले का पता लग गया सीगा राम की हसदा कोई गल तां नहीं बनी ना।
ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਖਵੀਰ ਕੀ ਹੱਸਦਾ ਸੋਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਟਾਈਪਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮਾਂ ਫਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇ? ਤਿੰਨ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਰਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਗੁਰੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਮੁਸਕਾਨ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਣਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਿ ਕੰਮ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਪਕਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਲਿਖਣਾ ਸੀਗਾ ਲਿਖਾਉਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀਗਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਡਬਲ ਪੰਪ ਮਾਰਤੇ, ਦੂਰੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾਰਥਕ ਕਿਰਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਜਿਸ ਰੂਪ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਰਤਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ, ਲਓ ਜੀ ਆਪ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੀਜੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਲਜਿੰਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਵਾਉਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਪੜਵਾਉਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਲਓ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੀਜੀ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ। ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੰਡਤਾ, ਇਕੈਰੀ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋ, ਜਿਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾ, ਲਓ ਜੀ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਖੇਡਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਇਸਨੂੰ ਗਿਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੰਡ ਕਰਤੀ, ਚੌਥੀ ਵੰਡ ਇਸ ਦੀ ਬਣਾਤੀ ਕਿਰਿਆ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੂਲ ਕਿਰਿਆ, ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੂਲ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਮੂਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਹਨ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਕਿਰਿਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਬਾਚ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਾਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਉਹ ਰੂਪ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਕਰਤਾ ਕਰਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਚ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ? ਕਰਤਰੀ ਵਾਚ, ਕਰਮਣੀ ਵਾਚ ਅਤੇ ਭਾਵ ਵਾਚ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪ ਸੀਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਕਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭੂਤਕਾਲ, ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਭੂਤਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ, ਭੂਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਭਵਿੱਖ ਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਜੇ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭੂਤ ਭਵਿੱਖ ਵਰਤਮਾਨ ਬਦਲਿੰਗ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਵਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨਾਮ, ਦੂਜਾ ਪੜਨਾਮ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਰਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ 'ਤੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ। ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਜਾਂ ਪੜਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਰਜੀਤ ਸੋਹਣਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਲਓ ਜੀ ਉਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਤੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਫਿਰ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਇਹ ਪੰਜ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਜਿਵੇਂ ਗੋਰਾ, ਸੁੰਦਰ, ਲਾਲ, ਪਤਲਾ, ਸੜੀਅਲ, ਮੋਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਚਾ, ਝੂਠਾ, ਉੱਚਾ ਆਦਿ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਣਵਾਚਕ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਹ ਗੁਣਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਣਤੀ ਦੀ, ਭਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਗਣਾ, ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਭਾਰ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ 4, 5, 6 ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਚੌਥੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉਸਦਾ ਕਿਸੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਜਵਾਂ, ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਰਡ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਨਾਪਤੋਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਗੇ ਪ੍ਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਗਿੱਠ ਆ ਗਿਆ, ਮੁੱਠੀ ਆ ਗਿਆ,
किलो क दो किलो जिहड़ियां भी इह चीज़ां नेगियां परिमाण दसदे आ मिनती दसदे आ गिणती दसदे आ मिनती जां इह चीज़ां नाप तोल दसदे आ कि ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਮਾਣ ਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ। ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਚਕ ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਚਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚੈ ਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇਖ ਲਓ। ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਨਾਮ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜਿਹੜਾ, ਮੇਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਪੜਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਲਈ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣੀ ਪੜਿਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਲਓ ਜੀ ਪੰਜਵੀਂ ਟਾਈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਟਾਈਪ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਿਆ ਪੜ੍ਹੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਸਮ ਹੈਗੀ ਇਹ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਢੰਗ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਆਦਿ ਦੱਸੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ, ਉਸਨੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਕੂਲੋਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਪਸ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। 8 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਂ ਵਿਧੀਵਾਚਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਨਵਾਚਕ, ਪੰਜਵਾਂ ਹੈਗਾ ਪਰਿਮਾਣਵਾਚਕ ਜਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਚਕ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਰਣਾਵਾਚਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ 8 ਦੀਆਂ 8 ਇਸਦੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਨੇਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਟਾਈਪਸ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ 8 ਦੀਆਂ 8 ਕਿਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਮ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਪਰਸੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਰਾਤ, ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ, ਲਗਾਤਾਰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਕਦੇ ਕਦਾਈਂ, ਘੜੀ ਮੁੜੀ, ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਵਾਚਕ, ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਥੇ, ਉੱਥੇ, ਅੰਦਰ, ਬਾਹਰ, ਹੇਠ, ਲਿਖੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੇਠ, ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੂਰ, ਨੇੜੇ, ਖੱਬੇ, ਸੱਜੇ, ਉਰਾਂ, ਪੁਰਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ, ਮੈਦਾਨ, ਪਟਿਆਲੇ, ਬਠਿੰਡੇ, ਮੁਕਤਸਰ, ਮੋਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਥਾਨਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ ਜਾਂ ਵਿਧੀਵਾਚਕ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਢੰਗ, ਤਰੀਕਾ, ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਉਂ, ਨਿਉਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਅੰਨੇ, ਵਾਹ, ਝੱਟ ਪੱਟ, ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਜ਼ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਝੱਟ ਪੱਟ, ਅਚਨਚੇਤ, ਧੜਾ ਧੜ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ ਜਾਂ ਵਿਧੀਵਾਚਕ ਜਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਾਰਨਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਰਨਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ, ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ, ਇੱਥੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਰੀਜ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੰਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਝ, ਇੱਦਾਂ, ਇੱਦਾਂ, ਉੱਦਾਂ, ਧੁੱਪ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਾਰਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂ, ਕਾਰਨ, ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਿਮਾਣ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਾਤਰਾਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਰਿਮਾਣ, ਮਿਣਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਕਿੰਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਕੁ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ, ਇੰਨਾ, ਬਹੁਤਾ, ਓਨਾ, ਬੜਾ ਹੀ, ਨਿਰਾ, ਅਰਧਵਾਟੇ, ਖਚਾ ਖਚ, ਨੱਕੋ ਨੱਕ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਸ ਖਚਾ ਖਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਿਕਟ ਫਰੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ 6ਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ। ਲਓ ਜੀ ਸੰਖਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਵਾਰ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਵਾਰ, ਦੋ ਵਾਰ, ਤਿੰਨ ਵਾਰ, ਅਨੇਕ ਵਾਰ, ਘੜੀ ਵਾਰ, ਘੜੀ ਮੁੜੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਨਿਰਣਾਵਾਚਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੰਮ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ, ਜੀ ਹਾਂ, ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਆਹੋ, ਅੱਛਾ, ਉਹ, ਚੰਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਆਦਿ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ,
जरूर दसो। अगे देखते आप लो जी शाम दुपहरे यह किस प्रकार का है, ये किस चीज़ की गल की है, काल की गल की है ज फिर संख्या की गल की है ज कोई स्थान की गल की है ज प्रमाण की गल की है, ये तुसीं अपना ध्यान दे विच रखियो। इस नूं अगे देखो जी, अगे चलदे आपां छेवीं किस्म ते संबंधक, संबंधक आ गया जी। ठीक है, संबंधक की हुंदा है, ओह शब्द जो किसी वाक विच आए नाम जां पड़नाम शब्दां दे पिछे लग के उन्हां दा संबंध वाक दे होर शब्दां दे नाल जोड़दे आ तां उन्हां नूं संबंधक कहिंदे आ। तां उदाहरण की ने, नूं, विच, दा, दे, दी, नेड़े, ने, तों, कोल, मतलब कि यह जिहड़े मतलब कि संबंध जोड़ते है नाम जां पड़नाम दा। ठीक है, शब्दां दे नाल लग के हुण इहदियां आपां टाइप्स देख लैंदे आ कि किन्ने तरह दे हुंदे आ, दो तरह दे, एक तां विकारी संबंधक ते एक हुंदे आ जी अविकारी संबंधक। ठीक है, तो हुण देखो विकारी संबंधक किहड़े हुंदे आ, ओह संबंधक जिन्हां दे रूप दे विच तब्दीली आ जांदी है, दा, दे, दी, दियां, मतलब कि इहनां दे विच जदों भी कोई भी मान लो नाम जां पड़नाम दे विच चेंज हुंदा तां उहनां दे विच चेंज आ जांदा हैगा उहदे विच। ठीक है, हुण इहनां दे विच चेंज मतलब कि यह स्थिर हुंदे आ कि, ठीक है, मतलब कि कोई भी नाम जां पड़नाम दा उहनां दे मतलब कि वह नाम जां पड़नाम नूं देख के इहनां नूं चेंज नहीं हुंदे, इह मतलब कि फिक्स ने, स्टैटिक ने, तां इहनां दे विच चेंज आउंदी है। ठीक है, जिद्दां मतलब कि राम दा, राम दी, दी बन गया, मतलब कि राम दा चाचा, राम दी चाची, मतलब कि चेंज हो गया, उस तो राम ने रोटी खाधी, राम ने, मतलब कि यह जे शब्द इस दे विच आ जांदे नेगे जिन्हां नूं स्टैटिक नेगे, राम ने मतलब कि राम ने रोटी खाधी, राम ने मतलब कि कोई भी चीज़ अंब खाधा, मतलब कि उहदे विच जेंडर का कोई फर्क नहीं पिया। ठीक है, अगे चलदे हां जी आपां, राम ने चाचे नूं कहा, राम ने चाची नूं कहा, मतलब कि ने शब्द सीगा जिहड़ा स्टैटिक रहा, मतलब कि राम नूं, राम अगे चाचा जां चाची उहनां दा जेंडर दा फर्क पै गया, राम ने चाचे नूं कहा, राम ने चाची नूं कहा, इह तां रह गया स्थिर, इहदे विच कोई चेंज नहीं आया। पर जिहड़ा इत्थे सीगा राम दा चाचा रोटी खांदा है, राम दी चाची रोटी खांदी है, तां मतलब कि इह शब्द वरत गया, चाचे वारियां होर सी, चाची वारियां होर सी। उस तों बाद फिर अगे दूसरे वर्गीकरण के अनुसार संबंधक फिर दो प्रकार के होंदे, एक तां पूर्ण संबंधक ते एक होंदे आ जी अपूर्ण संबंधक। तीजी किस्म घट विचारी जाती है, ठीक है, दुबाजरे जिहड़े संबंधक नेगे ओह मतलब कि घट उचारिया जांदा है उसनूं। हुण देखो आपां पूर्ण संबंधक देख लैंदे आ, जिहड़े शब्द इकल्ले ही संबंधक दा काम करन, दे, ने, दा, नाल, इह इस दीआं आपां टाइप्स उदाहरण मानते हैं। अगे अपूर्ण संबंधक है जिहड़े जिहड़े शब्द इकल्ले संबंधक का काम ना कर सकन, लागे, तों, लागे, परे, यह मतलब कि वह उसके घर दे कोल है, मतलब कि ये इकल्ले काम नहीं कर सकते, तो इन्हों किसी ना किसी की जरूरत पैंदी है। अगे चलते हैं योजक दे वल, योजक सत्तवीं किस्म हैगी, जिहड़े दो शब्द वाकंशां उपवाकां जां वाकां एक दूजे दे नाल जोड़दे हैगे वह की हुंदे आ योजक, पर अते के, क्योंकि सगों, यह सारिया इस दियाँ उदाहरण ने गियाँ। तो इस दी आपां अगे टाइप्स देख लें, तो देखो कार्ज के आधार के उत्ते आपां इन्हां दो किस्मों के वंड लें। पहली किस्म हैगी समान योजक, ठीक है, समान योजक किहड़े हुंदे ने, जिहड़ा योजक समान जां बराबर दे शब्दां वाकंशां जां वाकां नूं जोड़े, ठीक है, यह संयुक्त वाकां दी भी सिरजना करदा हैगा। हुण देखो इहदे विच उदाहरण आ गई सगों, ठीक है, मतलब कि उस तों बाद ते, राम, देखो रीना राम ते शाम दी भैन है, मतलब कि इन्हां दोनों की भैन हैगी इह, तां इदां दे जिहड़े शब्द ने कि समान योजक दे विच आउंदे आ। उस तों बाद तां इह तां देखो मतलब कि इदां सीगा, मतलब कि सिंपल सीगा, इहदे विच की हो गया, ठीक है, मतलब कि गल दा जवाब तौर दे तौर दे उत्ते आपां इहनूं वरतदे। देखो एक प्रधान उपवाक नूं ते एक अधीन वाक नूं, मतलब कि दोनों वाकां नूं अधीन ते उपवाक नूं, मतलब कि एक प्रधान उपवाक नूं ते दूजा अधीन उपवाक नूं इहनां नूं जोड़े। इह देखो जी के जो जिहड़ा तां जिहड़े इह जे शब्द ने कि उह मतलब कि जिहड़े अधीन ते उपवाक नूं जिहड़ा प्रधान उपवाक इहनां नूं जोड़े तां उह आपां इस नूं अधीन योजक दे तौर दे उत्ते इस नूं आपां काउंट कर देंगे। मंत्र दे आधार दे उत्ते तीन किस्म होर ने इस दीआं, इकैरे योजक, उस तों बाद संयुक्त योजक, ते उस तों बाद फिर अपना जिहड़ा तीजी किस्म है सह संबंधक जां टुटवें योजक गिण देंगे। लओ जी इहदे विच इकैरे योजक किहड़े हैगे, जिहड़ा योजक एक ही शब्द का बने होवे, ते, अते, भावें, पर, ठीक है, ये तो हो गए जी अकैरे। उस तो बाद संयुक्त जिहड़े होणगे वह दो या दो तो वध शब्दां तो, इस लई इस करके इहदे विच देखो डबल डबल अक्षर आपां यूज़ करदे आ तां उह हो गए वट्टे। उस तो बाद देखो जी टुटमें किहड़े हुंदे आ, टुटमें रूप दे विच जिहड़े मिलदे आ, जिवें तां देखो आपां ने उदाहरण तुहानूं दित्ती, इहदे विच भावें अमन बीमार है फिर भी
लो जी इत्थे एक तां इत्थे रूप आ पिया एक आ पिया हुण देखो आपां नूं टुटमें रूप दे विच मिल गए पर उत्थे की सीगा इकट्ठे मिल गए जां फिर इकल्ला ही मिलिया। उस तों बाद अगे देखो बिस्मिक ते चलदे आ अठवीं किस्म आपां शब्द दी लैंदे आ शब्द श्रेणियां दी। अठवीं किस्म देखो बोलण वाले दे द्वारा जिन्हां शब्दां दे नाल खुशी गमी हैरानी भय प्रशंसा आदि भावां दा प्रगटा हुंदा है तां उस नूं आपां की कहिंदे आ बिस्मिक कहिंदे आ जी। ठीक है बिस्मिक जदों भी आपां कोई इहो जिहा भाव प्रगट करदे आ तां उस दे नाल आपां इक चिन्ह वरतदे आ किहड़ा चिन्ह इह तां इह बिस्मिक चिन्ह दे तौर दे उत्ते आपां वरतदे आ हैरानी प्रगट करन दे लई हाए बल्ले शाबा आह इह सारे जिहड़े इस दीआं उदाहरणां नेगीआं तां इक इक करके आपां पढ़ांगे। सब तों ज़्यादा श्रेणियां आपां ने हुण तक इहदीआं देखीआं ने तां किन्नीआं किस्मां ने इस दीआं नौ। ठीक है एक तां हो गया जी प्रशंसावाचक बिस्मिक फिर शोकवाचक इच्छावाचक हैरानीवाचक उस तो बाद सूचनावाचक बिस्मिक संबोधनी बिस्मिक सतिकारवाचक फिटकारवाचक असीसवाचक यह नौ दिया नौ इस दिया किस्मां नेगियां। अगे देखो जी आप पढ़ते हैं एक एक करके सारियां नूं प्रशंसावाचक किहड़ा हुंदा है प्रशंसा का भाव प्रगट किया जाता है जिहदे नाल। ठीक है बल्ले अशके शाबा ठीक है जाने कि जिहदे विच किसी की प्रशंसा बल्ले शाबा तेरे। ठीक है ये चीज़ा जिहड़ियां आप वरतदे हां वह प्रशंसावाचक ने। अगे देख लैने शोकवाचक शोकवाचक जिहदे विच दुख के भाव प्रगट किए जाण ओए अफसोस हाए हाए रब्बा उफ ये जिहड़ियां चीज़ा नेगियां ये शोकवाचक ने दुखी करते हैं जदों दुख का भाव प्रगट करना। इच्छावाचक कहड़े होंगे ने जिहदे विच कोई इच्छा जाहिर की होवे हे वाहिगुरू जे कितें ये चीज़ होंगी मतलब कि है ना तो जे कितें पेपर सौखा आ जाए मतलब कि इदा जिहड़ी इच्छा इस दे विच हे रब्बा आकाश तो यह पूछ लिया जाता है कि यह किस प्रकार का बिस्मिक है तो तुम इन्हों का ध्यान रखियो। अगे देखते हैं जी आप हैरानीवाचक चौथी किस्म जिहदे विच हैरानी के भाव प्रगट किए जाने हैं ओ हैं वाह हले ये चीज़ा जिहड़ियां इस दे विच आउंदियां ने हैरानी दे लई। तां सूचनावाचक देख लैने सूचना देने दे लई रुको कोई भी मतलब कि संकेत देने कोई भी सूचना देनी है वेखी बची खबरदार होशियार जागते रहो बच के मतलब कि सूचना जी देने दे लई जिहड़े वरते जांदे आ वो सूचनावाचक। उस तो बाद आ गए संबोधनी किसी नूं संबोधन करन लई नी नी कुड़िए बे बे मुंडिया बीबा ओए अड़िया कुड़े हे ये सारे शब्द ने गे जिहड़े आपां इस दे विच वरतदे आ संबोधनी बिस्मिक दे विच। अगे सतिकारवाचक आ गया ठीक है सतिकारवाचक किहड़ा हैगा भाव प्रगट करन दे लई। ठीक है मतलब कि सतिकार दे भाव प्रगट करन लई आईए जी आया नूं आओ जी धन भाग साडे तुसीं घर आए साडे ये चीज़ा जिहड़ियां हुण देखो सत्तवीं किस्म यह सीगी सत्तवीं तो बाद यह अठवीं है जी इत्थे अठ कर लो तुसीं फिटकारवाचक अठवीं किस्म हैगी फिटकार दे भाव इस दे विच प्रगट कीते जांदे आ दुरफिटे मूँह तेरा कख ना रहे तेरा बेड़ा वह जे लख दी लाण तो यह चीज़ा जिहड़ियां फिटकार किसी नूं पाई जाए। उस तो बाद फिर यह नौवीं किस्म बन गई जी। ठीक है अठवीं ते नौवीं असीसवाचक असीसवाचक जिहदे विच असीस ते भाव प्रगट किए जाण बधे फुल्ले बुढ़ सुहागण होवें जाउंदा रहे बसदा रहे जुग जुग जियो खुश रहो ये जिहड़ियां असीसां दित्तियां जांदियां ने यह असीसवाचक दे विच आउंदियां ने। तां देखो व्याकरण दे कुल आपां पढ़े आगे चार भाग होंदे आ चार दे विचों दो भाग आपां ने इस क्लास दे विच डिस्कस कर लिया। ठीक है एक तां कीता आपां ने धुनी वाला ठीक है एक कीता जी आपां ने शब्द वाला तो यह दो भाग अपने कंप्लीट कर ले जिहड़ा इसका अपना तीजा भाग होएगा उस दे विचों मतलब कि अपने एक मुहावरियां दी वीडियो पा दी है वह जाके देख लो पर तुहाडे कोल इन्ना टाइम नहीं होएगा तो उस दे उत्ते टाइम ना खराब करो मुहावरियां दे विचों लगभग एक या दो तुहानू हो सकदे क्वेश्चन देखने मिलन पर जेकर तुहाडे कोल टाइम है तो उसनों जरूर देखो जाके तो वह भी अपने किए हुए। ठीक है वैसे पंजाबी क्वालीफाइंग पेपर की क्लास बन चुकी है वो प्लेलिस्ट बन चुकी है वो जाके एक बार तुसीं जरूर देख लियो ये क्लास किस तरह की लगी कमेंट करके जरूर दस्सो तो आपां तुहाडे लई शाम के टाइम एक जिहड़ा गुरमत दे विचों भी क्लास बनाने की कोशिश करांगे वह भी तुसीं जरूर देखो। ठीक है जी बाकी आपां इसे तरह जेकर होया तो उस दे लई तुहाडी अगली सैकेंड क्लास आपां जरूर लैके आवांगे तो क्लास नूं देखण दे लई चैनल दे नाल जरूर जुड़े रहो वीडियो वधिया लगी तो लाइक जरूर करके जायो तो बाकी पेपर का एक्सपीरियंस अपना आके जरूर शेयर करो कंप्लीट क्लास देखने तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद।